नमस्कार, साक्षरता पत्रिका में आपका कर्नाटक से स्वागत है। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे कोर्स की बात करेंगे जिससे शिक्षा पाकर बहुत से युवकों ने अपनी जीविका बहुत सफल बना ली है। ये है दो पहिया वाहन। किंतु जन शिक्षण संस्थान की आर्थिक मॉनिटरिंग, जन शिक्षण संस्थानों को बढ़ाने की बातचीत पहले हम करेंगे साक्षरता मिशन की जॉइंट डायरेक्टर श्रीमती कुसुम वीर से। कुसुम जी, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। कुसुम जी, आप प्लीज़ हमें यह बताएं कि जन शिक्षण संस्थानों की सफलता को देखकर क्या सरकार ने यह तय किया है कि इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी और कितनी बढ़ाई जाएगी, कब तक बढ़ाई जाएगी? ऐसा है रश्मि जी कि अब तक जन शिक्षण संस्थान का जो नाम था इस योजना का वो था श्रमिक विद्यापीठ, और ये आठवीं पंचवर्षीय योजना तक यही नाम पूरे देश भर में प्रचलित था और 58 श्रमिक विद्यापीठ जो थे आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित थे हमारे देश में। लेकिन अब नवीं पंचवर्षीय योजना में इस श्रमिक विद्यापीठ योजना का नाम बदलकर जन शिक्षण संस्थान कर दिया गया है, और नाम बदलने के साथ साथ कुछ नए जन शिक्षण संस्थान खोलना भी प्रस्तावित है। अभी 20 नए जन शिक्षण संस्थान देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित किए गए हैं और 30 और नए जन शिक्षण संस्थान इस योजना के अंत तक खोलने का हमारा प्रस्ताव है। कुसुम जी, आप हमें ये बताएं कि केंद्रीय सरकार इनको कितनी ग्रांट देती है और ये जन शिक्षण संस्थानों को क्या सबको एक सी ग्रांट मिलती है? अब ऐसा है कि जन शिक्षण संस्थानों को तीन हिस्सों में बांटा गया है, और ये जो तीन कैटेगरीज या हिस्से जिन्हें वर्ग कह सकते हैं वो स्थानीय परिस्थितियों और उनका जो वर्कलोड उसको देखते हुए हमने तीन हिस्सों में जन शिक्षण संस्थानों को बांटा है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। तो कैटेगरी ए में जो हमारे जन शिक्षण संस्थान आते हैं उनको हम 35 लाख का अनुदान राशि स्वीकृत की गई है, और जो कैटेगरी बी में हैं उनको 30 लाख की अनुदान राशि, वार्षिक अनुदान राशि स्वीकृत की गई है, और जो कैटेगरी सी में आते हैं उन जन शिक्षण संस्थानों को अनुदान की राशि 25 लाख रुपए वार्षिक तौर से स्वीकृत की गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इनकी मॉनिटरिंग सही ढंग से की जाती है? जन शिक्षण संस्थान के जो कार्यक्रम हैं उनकी समीक्षा करने के लिए अभी हाल ही में एक सेंट्रल मॉनिटरिंग टीम की स्थापना की गई है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे साक्षरता मिशन के अधिकारी हैं तो उन अधिकारियों को रखा गया उस सेंट्रल मॉनिटरिंग टीम में, और वो जो अधिकारी हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत जो कार्य कर रहे हैं वो विभिन्न उनको एरियाज दिए गए हैं, कौन से एरियाज के जन शिक्षण संस्थान कौन से अधिकारी देखेंगे, दूसरे जन शिक्षण संस्थान के जो वर्ग हैं उनको वो देखेंगे। तो इस तरह से विभिन्न एरियाज के जन शिक्षण संस्थान हैं वो भिन्न अधिकारियों में बांटे गए हैं, ताकि वो जो हैं अधिकारी जो हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के वो स्वयं व्यक्तिगत रूप से जन शिक्षण संस्थानों में जाएंगे और उनके कार्यक्रमों को विस्तृत रूप से देखेंगे, उनकी जानकारी हासिल करेंगे, और जहाँ पर ये कार्यक्रम चलते हैं उन पर स्वयं जाकर उनकी देखरेख करेंगे कि वो सही दिशा में सही रूप से कार्यक्रम चल रहे हैं या नहीं, या लोग सही रूप से लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं, फीस किस तरह से ली जा रही है और किस तरह से उनका नियोजन किया जा रहा है, सर्वेक्षण सही ढंग से किया गया है, मार्केट के साथ उनको लिंकअप किया गया है या नहीं, दूसरी एजेंसियों से किस प्रकार से उनका सहयोग है। तो विभिन्न पहलुओं की जो समीक्षा है वो हमारे अधिकारी करेंगे, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर एक सेंट्रल मॉनिटरिंग टीम के अधिकारी करेंगे, जिससे जो है ना केवल कागजों पर समीक्षा बल्कि साथ साथ व्यक्तिगत रूप से सही रूप से जो है उनकी समीक्षा उनके कार्य की हो सकेगी। इससे जो है मैं सोचती हूँ कि हमारे जन शिक्षण संस्थानों का जो स्वरूप है वो और भी निखर कर और सुदृढ़ रूप से देश के सामने आ सकेगा। भारत सरकार की योजना में ये प्रस्ताव रखा गया है कि जो जन शिक्षण संस्थान अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण कर लेंगे तो उनका जो है मूल्यांकन किया जाएगा। तो एक तो होगी उनकी सतत मॉनिटरिंग, जिसमें कि उनके कार्यकलापों की, उनके कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी व्यक्तिगत रूप से जाकर उनकी मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स के आधार पर, और दूसरा जो है जब 3 साल का कार्यकाल जो है उनका पूरा हो जाएगा तब उनका जो है मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे कि सही रूप से स्थिति सामने आ सकेगी
कि कौन से जन शिक्षण संस्थान वाकई में जो है बहुत अच्छे रूप से कार्य कर रहे हैं। जन शिक्षण संस्थानों के बारे में यह सब सूचना देने के लिए कुसुम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब बात करते हैं दो पहिया वाहन की रिपेयर का कोर्स सीखकर सफलता पाए हुए युवकों की कहानी से। तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी में। मेरा नाम तो सैयद दस्तीगर है। मैं बचपन में ज़्यादा नहीं पढ़िया, हर आके इधर उधर खेलने के रहता, और आपको कोई काम तो मुझे ज़रा सीखने का ये ख्वाहिश रहता, और आके पढ़ने को मन नहीं रहता। और 14-15 साल ऐसा ही बीत गए। उसके बाद आके हमारे भाई एक जने रहते, वो उन्होंने बोले तुम कोई सी तो दूसरा काम कर लो। फिर बोले ऐसा ही देख के उसको जब भी एक 9 मंथ्स का ट्रेनिंग ओपन हुआ, वो ट्रेनिंग ओपन होने के बाद मैं उसमें जाके ज्वाइन हुआ। ज्वाइन होने के बाद उसमें ज़रा बहुत इंटरेस्ट आ गया। अब यही काम में कौन सा थी भी वन काम करेंगे, दूसरा रो काम करने का ना को अगर उधर को वन काम कर दिए। और उधर 9 मंथ्स हो गए बाद दूसरा कौन सा थी ये यही काम बराबर है, दूसरा हम काम बराबर नहीं कर बोल डाल के यही काम किया कि ज़रा पैसा का ज़रा मुश्किल रहता, और आके घर में भी ज़रा पैसे को ज़रा टाइट रहता, उन्हें ज़रा हेल्प करके दूसरा आदमी भी ज़रा हेल्प करके एक ज़रा पहले पहले ज़रा कम चलता रहता। अब जब बाद में इम्प्रूवमेंट होके 3-4 साल ज़रा प्रॉब्लम है, 4-5 साल के बाद ज़रा उसमें पैसे आके एक बैंक में इकट्ठा करके दूसरा बिजनेस, और गाड़ी लेना गाड़ी देने का, और आके अभी ज़रा एक 20-25 साल हो गया एक दूसरा कह दिया दूसरा बिजनेस करेंगे, इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे बोल के STD भूते के कुछ महीने जमा किया था और कुछ लोन लिया। ऐसा ही जमा करके अभी लोन है उसमें, मंथली बन लेके जा रहे हूँ ऐसा ही। इसमें ये काम और STD अभी तो ज़रा आराम से हो गया। JSS में जो ट्रेनिंग है उधर भी आके मेरे वर्कशॉप में आके काम करता है। बेंगलोर में JSS के जाके मुझे तो एक लाइफ बन गया। आज हमारी सड़कों पर दो पहिया वाहन काफी मात्रा में दिखाई देते हैं। चिंतामणि ने इन्हीं को ठीक करने का कोर्स किया जन शिक्षण संस्थान से और एक छोटी सी दुकान डाली। आज उनकी यह दुकान ही उनकी खुशहाली का राज है, जहां वह कड़ी मेहनत से काम करते हैं और साथ ही कई लोगों को और भी इन्होंने रोजगार दिया है।
चाहे मेरा दुकान है या अपना दुकान है, इधर मैं महीने को 8000 रुपए कमा रहा हूँ और इधर 4 लोगों काम को देखा हूँ, काम भी चल रहा है अच्छा से, मेरा जिंदगी तो बम्बट है। और मेरा घर में मेरा माता पिता, मेरा जो लोग बच्चे मिला कर 6-7 जने हैं, अच्छा से ये हो रहा है। और इधर जैसे श्रमिका विद्या जैसे मैसूर में 6 महीने का ट्रेनिंग किया, वो ट्रेनिंग से मेरा लाइफ भी एक अच्छा हुआ है। और मेरा दोस्त को सब भी बोल रहा हूँ, इधर जम लो काम सीखो, एक लाइफ में इम्प्रूव होता है करके बोल रहा हूँ। आज का काम आता आ रहा है तो कभी भी हमेशा हर हद में भी अच्छा रहता है, आज का काम सीख लो। 2-पहिया वाहन को बेहद सुविधाजनक माना जाता है और इसके बढ़ते इस्तेमाल ने रास्ता खोला है रोजगार का। जन शिक्षण संस्थान से 2-पहिया वाहन को ठीक करने का कोर्स करके बहुत से शिक्षार्थियों ने अपनी अपनी दुकानें खोल ली हैं या उन्हें कहीं ना कहीं रोजगार मिल गया है। 2-पहिया वाहनों की मरम्मत की काफ़ी मांग रहती है और जन शिक्षण संस्थान ने इसी परिस्थिति को देखते हुए इस कोर्स पर काफ़ी बल दिया। रमेश ने भी यही कोर्स किया और आज 10 से 15 हज़ार रुपये महीना तक बेहद आसानी से कमा लेते हैं। अपनी इस खुशहाली में रमेश ने जन शिक्षण संस्थान को नहीं भुलाया और वहाँ से कोर्स करने वालों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए वे अपने यहाँ रखते हैं। रमेश जन शिक्षण संस्थान के बहुत आभारी हैं जिन्होंने उन्हें बहुत कम फीस में आज से कई वर्ष पहले यह काम सिखाया, जिससे उन्हें जीवन में मार्गदर्शन मिला। अपने साथ साथ रमेश ने कई लोगों को भी रोजगार दिया है, जो अपने आप में उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रमेश आज हर तरह के 2-पहिया वाहन को ठीक करने में पूर्णतः सक्षम है और ऐसी ही प्रेरणा वह अपने ट्रेनीज को भी देते हैं। उनका आत्मविश्वास, उनकी लगन और उनके तौर तरीके देखकर ऐसा लगा कि आर्थिक विकास के साथ साथ उनमें विश्वास और जागृति की भावना भी बढ़ी है। इससे यह प्रमाणित होता है कि जन शिक्षण संस्थान युवा पीढ़ी का एक आधुनिक तीर्थ है। हमारा ये लक्ष्य है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों से हम अपने नवसाक्षरों को न केवल अ आ क ख सिखाएं, लेकिन उनके जीवनों में एक पूरी तरह परिवर्तन लाएं। और ये तभी संभव हो सकता है जब हमारी ये जन शिक्षण संस्थाएं उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान में पूरी तरह योगदान दे दें। और ये भी तभी होगा जब हम नवसाक्षरों को अपने पास आकर्षित कर पाएं, उनको ये समझाएं कि जीवन का मतलब सिर्फ आ काखा से जुड़ा हुआ नहीं है। जब वो कौशल विकास कर पाएं अपने अपने ज़िंदगी में, तब जाकर उनका रोज़गार बढ़ेगा। रोज़गार मूलक कार्यक्रम उन तक अगर हम पहुंचा पाएं तो वो उनका रोज़गार उनकी दैनिक ज़िंदगी में भी सुधार आएगी। पहले ये जो स्कीम थी इसका नाम था श्रमिक विद्यापीठ, और तब ये सिर्फ शहरी इलाकों में सीमित थी। अब हम इसकी जो भौगोलिक सीमा है उसको हम ग्रामीण क्षेत्रों तक ले गए हैं। एक जन शिक्षण संस्थान आज के दिन एक पूरे ज़िले को ज़िले में काम करता है। पहले हमारे नवसाक्षरों की हिस्सेदारी कम थी, लेकिन अब हमने अनिवार्य कर दिया है कि कम से कम 25% बेनिफिशरीज नवसाक्षर हों। और ऐसी ट्रेड्स या ऐसी स्कीम्स चलाई जाएं जिसमें नवसाक्षर लोग रुचि लें, उनकी पकड़ में आए और उनकी जो शैक्षिक क्षमता है उससे वो योग्यता प्राप्त करें। जन शिक्षण संस्था की स्कीम में
स्वयंसेवी संस्थाओं का आज बहुत बड़ा रोल है। हर एक जन शिक्षण संस्थान आज के दिन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से ही चल रही हैं, और मैं ये सारी संस्थाओं को अपील करूंगा अपनी तरफ से कि वो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के साथ अपने कदम से कदम जोड़कर आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे जितने भी नवसाक्षर हैं देश के जिस कोने में भी, वो अपने आप को पूरी तरह स्वावलंबी महसूस करें और अपने रोजगार में वृद्धि लाएं। ये थी कामयाब लोगों की कहानी, और अब आपको दिखाते हैं बेंगलोर की दुकानों का और सड़कों का एक रात्रि का नज़ारा, और उसके बाद आपसे विदाई लेते हैं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारा जन शिक्षण संस्थान का ये कार्यक्रम साक्षरता पत्रिका देखना ना भूलें। नमस्कार।